हेलो दोस्तों मैं आप सभी का दोस्त संजीत सिंह सिंगर में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों पहले तो आप सभी का शुक्रिया बहुत बहुत ज्यादा कि आप सभी इतना प्यार दे रहे हो साथ दे रहे हो इज्जत दे रहे हो दोस्तों मेरे जितने भी तमाम मेरे बड़े हकीम मेरे प्यारे दोस्त मेरी प्यारी माताएं बहनें और तमाम जो दोस्त हैं और हमारे बुजुर्ग जो मेरे को प्यार दे रहे हैं इज्जत दे रहे हैं आदर सम्मान दे रहे हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहे हैं और हमारी एक एक चीज़ को बना के भी देख रहे हैं और उसके हमें रिजल्ट दे रहे हैं तो मेरे को बहुत खुशी होती है काम करने का उत्साह तो मिलता है सभी दोस्तों से विनती है कि मैं वीडियो ज्यादा लंबी नहीं इसलिए बनाता क्योंकि तमाम चीजें ऐसी हैं जो आपको सिंह साहब ने सिखा रखी हैं और तमाम कुछ नुस्से ऐसे हैं जो मैंने आप तक पहुंचाने हैं जो आपको नहीं पता दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता कि अब मैं नुस्खों पे पहले काम करता हूं उनके रिजल्ट लेता हूं फिर उसके बाद मैं वीडियो डालता हूं ठीक है जी तो दोस्तों आजकल आपको पता है कि हमारे कुछ जिनकी उम्र लगा लो अठतीस पैंतीस से लेके पचास साठ के बीच में है पैंसठ के बीच में है उनके शरीर में बिल्कुल भी जान प्राण नहीं रहे हैं मान लो थकावट बहुत ज़्यादा रहती है शरीर टूटता घुटनों में जान नहीं है अंदरूनी पावर भी कम है और ख़ासकर स्टेमिना लेवल बिल्कुल ज़ीरो है कि वो कोई काम करने के लिए उत्साह नहीं पैदा कर पा रहे और अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हैं कोई डिप्रेशन का शिकार हो चुका है कोई तमाम इधर उधर से दवाइयां खा के और ज्यादा शरीर का लीवर का पेट का अपने सारे शरीर की तमाम नसों का मतलब टोटली शरीर का सत्यानाश कर लेता है तो दोस्तों आज इसी के चलते बहुत ही अच्छा बेहतरीन सिंह साहब जी का नुस्खा मैंने तैयार करा था तो उसका रिजल्ट की वेट थी तो आज तकरीबन पूरे पंद्रह दिन बाद मेरे को उसका रिजल्ट मिल चुका है जैसे कि मैंने उम्मीद लगा रखी थी तो सबसे पहले मैं अपने कुछ जो मेरा साथ दे रहे हैं उन हकीम साहबों का थोड़ा सा मैं मतलब शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे पाकिस्तान के चचा जान मेरे नवीन जी मेरे पापा जी के प्रिय दोस्त थे उनका बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया है सऊदी अरब से हैं तीन चार दोस्त मेरे पापा जी के मेरे चचा उनका बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया है कि वही तरह साथ दे रहे हैं तो इसी के साथ चलते चलते जो तमाम हमारे साथ और पाकिस्तानी मेरे चाचा जान हैं जो मेरा साथ दे रहे हैं रोज रात को मेरे से बात करते हैं मेरे को समझते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया तो उन्हीं की सभी की देख रेख में भी मैंने ये नुस्खा पहले बनाया था उन्होंने भी मैंने भी हमें पूरे तकरीबन पंद्रह दिनों बाद इसका जो रिजल्ट हमने उम्मीद लगा रखी थी पंद्रह दिन में क्या रिजल्ट मिलता है वो हमें मिला खासकर हमने ये नुस्खा पैतालीस चालीस पचास और साठ वालों की उम्रों पे ही रखा है और उनके ऊपर ये काम करता है जल्दी से जल्दी ठीक है छोटी उम्र वाले पे भी करता है लेकिन हमने मेन उनके लिए बनाया है ठीक है जी तो दोस्तों ज्यादा लंबी बात ना करते हुए मैं दो चार बातें पहले बोल के मैं नुस की तरफ बढ़ता हूँ दोस्तों किसी को भी आज सेक्स का नुस्खा दे तो हर बार मैं बोलता हूँ सिंह साहब बोलते हैं बंदे की जान ले सर्द गर्म बलगमी मिजाज कौन सी है उसके बाद ये जान लें कि उसके शरीर में कितनी ज्यादा गर्मी है जब तक उसकी गर्मी नहीं खत्म होती तब तक, तक उसको सेक्स की दवाई साथ में ना खा लाए वैसे उसको दे दें लेकिन उसको गर्मी की दवाई साथ में पहले दें उसकी गर्मी निकाले लीवर ठीक करे फिर उसको सेक्स की दवाई दें ठीक है जी तो दोस्तों नुस्खे की तरफ बढ़ते हैं पहले दोस्तों क्या करना है आपने सबसे पहले मैंने क्या करा इस संख्या को करा शुद्ध शुद्ध संख्या शुद्ध संख्या आपने लेना है दोस्तों ग्राम। शुद्ध संख्या आपने लेना है बारह ग्राम उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपने लेनी है हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण मशहूर और ताकतवर कस्तूरी तीन ग्राम उसके बाद आपने वैद्यनाथ की ले लें मुक्ता शुक्ति वसम एक तोला ठीक है दोस्तों और जाफरान केसर ठीक है दोस्तों ये आपने ले लेना है पांच ग्राम अब दोस्तों करना क्या है कि आप सभी को मैं इनकी पहले तस्वीरें बता देता हूं आप सभी को पता है कि केसर से शुरू होते हैं हम सर आपको पता है कि हमारे तमाम शरीर की जो उर्वरकता है उसको बढ़ाता है स्मरण शक्ति को बढ़ाता है उत्तेजना को बढ़ाता है और शरीर पे निखार लाता है ठीक है जी और गर्म तस्हर भी होती है इसकी उसके बाद हमारी कस्तूरी जो तमाम पठों में जान डालती है और स्मरण शक्ति को बढ़ाती है उसके बाद हमारी मुक्ता शुक्ति बसम है। ये इसलिए इसके अंदर डाली जाती है एक तो वीरिया को गाढ़ा करती है वीरिया में उत्तेजना लाती है और जो तमाम हम गर्म नुस्से को हम सर्द में इसमें बदल सकते हैं बहुत तो अच्छा काम करती है भी ज्यादा गर्म ना हो उसको कंट्रोल में रखती है ठंडी तो तस्वीर के होती है उसके बाद हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो आप सभी को शुरू से पता है हमारा संखिया सिम्बल फार ये दोस्तों आप सभी को पता है खून को गाढ़ा करता है और शरीर को मजबूत बनाता है पटो में जान डालता है हर तमाम चीजों पे ये काम है, करता है और सेक्स पावर पे भी बहुत ही बेहतरीन ये काम करता है आप सभी को पता है तो अब दोस्तों करना क्या है सबसे पहले आपने संख्या को खर्ल करना है तीन घंटे शुद्ध करने के बाद उसके बाद दोस्तों क्या करना है जब आपका संख्या शुद्ध हो जाए तीन घंटे उसकी खर्ल हो जाए उसके बाद आपने गुलाब का रस निकाल लेना है ताजे गुलाब के फूल का रस निकाल लेना है डेढ़ सौ ग्राम डेढ़ सौ ग्राम आपने इसके अंदर खर्द कर लेना है संखिए के खर्द करने के बाद जब वो सूख जाए तो उसको इकट्ठा करके फिर क्या करना है आपने उसके अंदर आपकी जो मैंने कस्तूरी केसर और आपको ये बताया है मुक्ता शुक्ति बसम वो डाल देनी है फिर क्या करना है दोस्तों एक चीज और ध्यान रखनी है जो आपका केसर है उसको धूप में जरूर रखना आपने ठीक है थोड़ा पापड़ जैसा हो जाए भी जल्दी मतलब मिक्स हो जाए सारी चीजें डाल के उसकी खरल करनी है उसके बाद उसके अंदर आपने केवड़ा रस होता है जो हमारा ये आप देख सकते हो केवड़ा जल होता है जो हमारा ये आपने इसके अंदर साठ एम की दो शीशा लगा देनी है खरल कर देनी है खरल करने के बाद दोस्तों ये आपके पास एक बिल्कुल ही बारीक सा पाउडर तैयार हो जाएगा जैसे और कुश्ते हमारे पास तैयार हुए होते हैं फिर करना क्या है दोस्तों इसके अंदर आपने कुछ नहीं करना सिर्फ इसके अंदर आपने एक और लास्ट बार में इसके अंदर आपने थोड़ी सी डाल देनी है पान वाली चांदी दो ग्राम ठीक है दोस्तों इसकी और ताकत को बढ़ाने के लिए फिर इसकी खरल करके आपने क्या करना है इसको एक कांच वाली शीशी में रख लेना है फिर क्या करना है रोज इसको सात दिन रोज इस कुश्ते को सात दिन आपने धूप में रखना है शाम को उठा लेना है धूप में रखना है शाम को उठा लेना है पूरे सात दिन इस पाउडर को आपने धूप लगवानी है उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों इस सारे पाउडर को नींबू का रस लेके नींबू के रस में भिगो देना है सारे पाउडर को मतलब जो आप लगा लो इसको कुछता आपके पास तैयार हुआ है बसम तैयार हुई है सारी नींबू के रस में भिगोने के बाद नींबू का रस कम से कम आपने तीन दिन बदलना है मतलब तीन दिन सुखाना है इसके अंदर तो तकरीबन आप लगा के चले आपने रोज बीस से तीस ग्राम आपने इसके अंदर रस लगा देना है उसको हल्का खरल में हिला के धूप लगाते रहना है तीन दिन रोज डालेगा इसके अंदर तीस ग्राम लग जाएगा बढ़िया आराम से धूपों के दिन में फिर क्या करना है जब ये बिल्कुल आखिर में सूख जाए तब परमात्मा की दया से आपकी दवाई तरीके से तैयार है ठीक है दोस्तों फिर आपने उसको दोबारा शीशी में ले आना है अच्छे साफ करके सुखा के और एक बार जरूर ध्यान रखना कि हल्का फुल्का आपको मोटाई लगे तो उसको कप्पड़ छान भी आप कर सकते हो कप्पड़ छान करने के बाद आपकी दवाई आपके पास तैयार है उसको कांच वाली शीशी में ही रखें ठीक है जी उसको संभाल के फिर किसी भी बुजुर्ग को या जिसको ये कमजोरियां हैं जो मैंने शुरू में बताई है वीरिया नहीं बनता पठों में जोर नहीं है स्मरण शक्ति नहीं है और हर टाइम आलकस रहती है शरीर ऐसा रहता टूट जाएगा सुबह नींद से जल्दी नहीं उठ पाते शरीर टूटता है आलकस आती है काम करते हुए आलक आती है दिल नहीं करता काम करने का डर लगता है काम करने से कमजोरी लगती है शरीर में कि क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा ये चीज खत्म हो जाएगी परमात्मा की दया से तो सभी दोस्तों से विनती है कि ये नौजवान नुस्खा जो सा मैंने दिया इसका नाम नौजवान नौजवान क्यों क्यों ये बुजुर्गो को नौजवान बना देगा दोबारा ठीक है जी तो ये नौजवान नुस्खा आप इसका इस्तेमाल करें इसका फायदा उठाएं मेरे दोस्तों और कई तमाम दोस्त आज भी हजारों की दार में मेरे से पूछते हैं कि आपने जो छह हजार से लेके पंद्रह हजार तक की जो कीटे बनाई थी वो आप अभी भी दे रहे हो या नहीं दे रहे तो मेरे सभी भाई और बहनों से विनती है कि देखिए वो कीटे अभी भी तैयार है और जिन जिन भाई और बहनों ने लेनी है वो रेगुलर मेरे से ले सकते हैं कहीं पे भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है आप उसके पेमेंट डालें उसके बाद अगर मेरे को टाइम नहीं भी है मतलब बनी नहीं भी है तो मैं स्पेशल बना के दे दूंगा ठीक है जी तो एक चीज और बता देता हूं हर हफ्ते हम दस कीटे तैयार करते हैं तो उस हिसाब से जिन जिन दोस्तों ने ऑर्डर लगाना आपके साथ नंबर है उस नंबर पे आप सभी दोस्त ए, मैसेज करें अपनी दुख तकलीफ बताएं जो है मैं उसकी तरीके से बता दूंगा क्या काम करना है क्या नहीं करना दोस्तों परहेज रखें बहुत अच्छा बढ़िया रहेगा आपका तरीका देखिए परहेज में कुछ ज्यादा नहीं कराता खट्टी तली चीजें बंद करनी है बस ठीक है जी और दोस्तों एक चीज और जो मैंने पीछे से भी आपको दिखाई थी कि सोना बसंती तैयार करी हुई थी हमने ये देखिए दोस्तों ये गोलियां तो जो तमाम दोस्त ये लेना चाहता हो तो ये गोलियां दोबारा भी तैयार कर लिया हमने तो जो दोस्त लेना चाहता हो वो ले सकता है तो क्या करना है दोस्तों मैं आपको बता देता हूं जैसे कि ये देखिए हमारी गर्मी की दवाई है ठीक है जी मैंने नहीं बनाई थी जो बताई थी पीछे सी ये गर्मी की दवाई और ये हमारा हाजम ठीक है जी ये दो आप हर एक दवाई के साथ जरूर लगाएं कि रात को पेट की सफाई जरूर हो और सुबह को गर्मी की भी गर, शरीर की जो अन्य गोशों में गंदगी है वो निकल जाए ठीक है दोस्तों तो हर एक चीज की तशिश करके फिर चीज दे तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत मेहरबानी देखिए मैं लंबी चौड़ी बात इसलिए नहीं करता ठीक है आप लोग कहते हो गए की सीधा सीधा बताता और चला जाता है देखिये मैं माफी चाहूंगा लेकिन मेरा अभी काम फोकस है आप लोगों तक ये चीजें पहुंचाना जो तरीके से मैं पहुंचा देता हूं जैसे मैंने बता दिया कि मुक्ति सुक्ति की क्या तस्वीर है किन काम आती है कस्तूरी क्या काम आती है संख्या क्या, क्या काम आता है केसर की क्या तस्वीर है क्या काम आता है ये चीजें मैंने बता दी और देखिये ये नुकसा किसी भी तरीके से आप कहीं भी पूछ लें तमाम पूरी दुनिया में ये नुस्खे कहीं नहीं होंगे ये सिंह साहब जी के दिए हुए हमारे लिए पुरस्कार है उपहार है दोस्तों इनको जोड़ लें, इनको लिख लें ये आने वाले टाइम में काम आएंगे दोस्तों एक बहुत जरूरी बात वो कि इसका खाने का तरीका रोज सुबह खाना खाने के बाद कम से कम एक घंटे बाद चावल के दाने जितनी चने के दाने जितनी आप मक्खन मलाई में रख के खा सकते हैं जिस बंदे के जीरो लेवल है उसको आप चने के दाने जितनी दें जिसकी शरीर में थोड़ी बहुत ताकत है शरीर उसको चावल के दाने जितनी दें दूध के मक्खन दूध के साथ और उसको के ज्यादा से ज्यादा जब गला सूखे खुश्की पैदा हो और उत्तेजना पैदा हो तो ठंडा दूध भी पी सकता है केले खा सकता है सेब खा सकता है ज्यादा से ज्यादा तो दोस्तों इन चीजों पर गौर करें डाइट भी अच्छी लें फल फ्रूटों पर जोर दें दूध भी, दे, भी है और इस नुस्खे की तरफ बड़े नौजवान बहुत ही अच्छा बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ये नुस्खा मैंने आपके आगे रखा है जिन दोस्तों ने किटे लेनी है छह हजार वाली आठ हजार वाली दस हजार वाली बारह हजार वाली पंद्रह हजार वाली सारी और लेडी मेरे पास तैयार हैं जिन भाई बहन ने लेनी ले सकता है उसके बाद जिन बहनों ने मेरे से गर्भवती मतलब गर्भ धारण वाली दवाइयां ली थी उन सभी बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया उन्होंने मेरे को मुख्य पात्र बनाया इसका उदाहरण दे कि हाँ हमारी दवाई कामयाब है सिंह साहब जी की इज्जत में कोई दाग नहीं लगा तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको मैंने जो उनसे दी है गर्भ धारण की दवाइयाँ उनका आपने मेरे को रिजल्ट दिया बहुत खुशी का पात्र बनाया बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया आप सभी बहनों का और इसी तरीके जो बहनें अब दवाइयां ले रही हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद उसके बाद जो तमाम दोस्त नुस्खा लेना चाहते हैं ले सकते हैं ये हर चीज पे काम करेगा ना नामर्दी पे तो करेगा ही करेगा आपको पता है इसमें संख्या कस्तूरी हमारी आ चुकी है तो दोस्तों नामर्दी पे काम करेगा पट्ठों में जोर लाएगा घुटनों के दर्द पीठ के दर्द को दूर करेगा अगर किसी के भी तमाम शरीर के अंदर हद से ज्यादा कमजोरी है उसको मतलब दूर करेगा और अलक को दूर करेगा काम करने में ताकत बढ़ाएगा शरीर को थोड़ा मोटापा भी देगा मतलब हैवी करेगा मुंह पे अलग सी रौनक आएगी ग्लो आएगा आंखों के नीचे की यूरिया खत्म हो जाएंगी ठीक है दोस्तों तो ये कुछ चीजें बहुत ही बढ़िया हैं आप लोगों के लिए नुख्ते जोत सिंह साहब छोड़ चुके हैं और मैं आपके तक पहुंचा रहा हूं ठीक है दोस्तों तो आपको ये दो नुख् पता है हाजम और गर्मी ये भी खाते रहे और ये सोने की जो हमने बनाई थी पहले भी गोलियां सोना बसम से अब दोबारा तैयार कर लिया है जिन दोस्तों ने लेनी हो ले सकता है ठीक है दोस्तों तो जिन्होंने महारथी तेरा ले लिया है मैंने थोड़ी तेज बनाई है इस बार और गोलियों की क्वांटिटी छोटी करी है मान लो बहुत ही अच्छे हाई लेवल की देखिए तो आप ले सकते हो ठीक है दोस्तों इस प्रकार आप ये हमारे पास कई तमाम जैसे नुस्खे तैयार हैं ये देख सकते हैं कीटों के भी तैयार हैं किसी को एम ग्यारह चाहिए एम ग्यारह भी हमारे पास पड़ी है और किसी को और कई दिक्कतें होती है और लो कुचले की गोलियां टाइमिंग के लिए चाहिए तो वो भी है हमारे पास ठीक है किटों भी मैं पूरे तैयार कर रहा हूँ जिन जिन दोस्तों ने लेनी हो ले सकते हैं देखिए दोस्तों आप लोगों के लिए बैठे हैं आप लोगों के लिए ही हम ये चीजें कर रहे हैं ठीक है थी। जी तो सभी इस चीज पे गौर करें इसके बाद तमाम तो और नुस्खे मैं दिनों दिन देता जाऊंगा कुछ नुस्खे ऐसे हैं जो मैं हदीये पे दे रहा हूँ जो तो दोस्त अंदर ही अंदर मेरे से हदिये पे भी ले रहे हैं जिन दोस्तों ने लेना है इस नंबर पे जाके मेरे से हदिये पे नुस्खे ले सकते हैं जो सिर्फ जड़ी बूटियों से तैयार हो जाएंगे धन्यवाद दोस्तों